देखो यहाँ पे हमने पास गिवन क्या है, y इज इक्वल टू गिवन है 3 इंटू कोस ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स, ये गिवन है। अब हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये y है, वाई वन कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। वाई वन क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव y का, ठीक है, डी वाई एक्स के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएट। तो ये कितना आ जाएगा, 3 कॉन्स्टेंट है। कोस का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन, तो आ जाएगा माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, और फिर अंदर लॉग एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, और एक्स का हो जाएगा 1 प्लस, फिर 4 साइन का क्या होता है कोस, तो आ जाएगा कोस ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अब हमें क्या चाहिए, वाई वन तो आ गया, वाई है अपने पास, वाई वन आ गया, अब चाहिए हमें वाई टू। तो वाई टू करने के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है वाई टू, तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो वाई टू आ जाएगा यहाँ से। देखो माइनस थ्री तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है एंड यू इन टू वी लगाते हैं इन दोनों में, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये साइन ऑफ लॉग एक्स है इसको कॉन्स्टेंट रखेंगे, और 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन। अब क्या था हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, माइनस थ्री तो कॉन्स्टेंट है, और माइनस ये जो सॉरी 1 बाई एक्स है इसको कॉन्स्टेंट रखेंगे, और साइन का क्या हो जाएगा कोस ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस फिर हमें क्या क्या यहाँ पे देखो 4 तो कॉन्स्टेंट है, तो सबसे पहले हम लॉग ऑफ कोस एक्स को कॉन्स्टेंट रखेंगे, और 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर प्लस कोस सॉरी 4, अब हम 1 बाई एक्स को कॉन्स्टेंट रखेंगे, और साइन का कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, ये आ गया अपने पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ भी 1 अपॉन y x² है, यहाँ पे भी देखो 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1 बाई एक्स स्क्वायर है, 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर है वो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, और क्या आ जाएगा, अब देखो कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा 3 ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस 3 ऑफ कोस ऑफ लॉग एक्स एंड माइनस 4 कोस ऑफ लॉग एक्स एंड माइनस 4 साइन ऑफ लॉग एक्स, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा अब 1 बाई एक्स स्क्वायर, देखो 3 साइन ऑफ लॉग एक्स और माइनस 4 ऑफ साइन एक्स माइनस माइनस ऑफ कितना आ जाएगा साइन ऑफ लॉग एक्स एंड माइनस 3 कोस ऑफ लॉग एक्स माइनस 4 कोस ऑफ लॉग एक्स, तो 7 कोस ऑफ लॉग एक्स, ये आ जाएगा अपने पास। ये वाई टू आ गया, वाई वन अपने पास क्या है, ये है, यहाँ से भी 1 बाई एक्स कॉमन आ रहा है, तो देखो वाई वन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वाई वन इज इक्वल टू 1 बाई एक्स कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या आ जाएगा, फिर अंदर आ जाएगा 4 ऑफ कोस लॉग एक्स माइनस 3 ऑफ साइन लॉग एक्स, तो 4 ऑफ कोस लॉग एक्स माइनस 3 ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। और वाई हमें क्या गिवन है, y में गिवन है 3 ऑफ कोस लॉग एक्स, 3 ऑफ कोस ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 ऑफ साइन लॉग एक्स, ये हमें y गिवन है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन एंड y, तो एक्स स्क्वायर वाई वन वाई टू प्लस एक्स वाई प्लस y, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई टू से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाले टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये आ जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस 7 कोस ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, प्लस फिर हमें क्या चाहिए एक्स इंटू वाई, तो वाई वन है सॉरी यहाँ पे, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो 1 बाई एक्स है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाली टर्म आ जाएगी, तो 4 कोस ऑफ लॉग एक्स 4 कोस ऑफ लॉग एक्स माइनस 3 ऑफ साइन लॉग एक्स प्लस वाई, और वाई हमारे पास क्या है, ये देखो ये रहा, तो 3 ऑफ
कोस ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 साइन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब क्या क्या आ रहा है, माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, तो कितना माइनस साइन और माइनस 3 ऑफ साइन, माइनस 4 ऑफ साइन, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 3 cos, 4 cos, 7 cos और 7 cos प्लस का, तो ये माइनस कैंसिल आउट, सब कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू आ गया 0 के। ठीक है, और हमें इसको प्रूव करना था इज इक्वल टू 0 के। ओके, इजी है, बस वाई गिवेन है हमें, तो इसका डिफरेंशिएट करके वाई वन आ जाएगा, डबल अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो वाई टू आ जाएगा, और वाई वन और वाई टू की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा। ओके, इजी है।